चैप्टर 18 मैक्सिमा एंड मिनिमा एक्सरसाइज 18.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है. फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और एक्स दिया हुआ है 0 से लेकर 2 पाई तक. 0 से लेकर 2 पाई का मतलब होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेकर फोर्थ क्वाड्रेंट तक, मतलब ये 0 डिग्री है और ये पूरा यहाँ पे आके 2 पाई बनेगा. इसका मतलब ये होता है. तो क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं. एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन होती है एफ डैश एक्स, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, फिर हम क्या करेंगे कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस पहले का यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे. ये हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर रहे हैं इसको. एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 देन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0. अब हम कॉस एक्स को इधर ले आते हैं, साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स को हम इसके नीचे ले आते हैं. कॉस एक्स यहाँ आ जाएगा तो ये बनेगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू माइनस वन. तो ये हो जाएगा साइन बाय कॉस होता है टैन, तो टैन एक्स हो जाएगा माइनस वन. ठीक है, अब देखो हमारे पास ये 0 से 2 पाई था, हमें चारों क्वाड्रेंट के लिए देखना है. तो टैन एक्स कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, टैन एक्स होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में. ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला याद रखना पाई माइनस थीटा, ये किसका है सेकेंड क्वाड्रेंट का, और फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है 2π - थीटा. सेकेंड क्वाड्रेंट का पाई माइनस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट का 2π - थीटा. तो देखो कैसे निकालेंगे वैल्यू. सबसे पहले टैन वन कब होता है, टैन वन होता है 45 पे, मतलब पाई बाय 4 पे. ठीक है, अब देखो माइनस हटाने के लिए क्या करना है, टैन सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. तो यहाँ लिखना है टैन एक्स इक्वल टू टैन, क्या मैंने फॉर्मूला बताया, पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह हमने लिख देना है पाई बाय 4. ये आ गया हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट. और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमने क्या लिखना है, टैन एक्स इक्वल टू टैन, क्या फॉर्मूला मैंने यहाँ बताया, 2π - थीटा. तो 2π - थीटा, थीटा कितना हमारा पाई बाय 4. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं. ये टैन टैन तो कैंसिल हो जाएंगे, काटना नहीं है, बस ऐसे ही लिख देना है. इसका एलसीएम लो, 4π, ये कितना हो जाएगा 4π - π अपॉन 4. इसी तरह यहाँ भी ये टैन टैन कैंसिल, इसका भी एलसीएम ले लो, 4 2 8, 8π - π अपॉन 4. तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा 3π/4 और एक्स आ जाएगा 8π में से पाई के 7π/4 और यहाँ पे 4π में से पाई के 3π/4. ये आ गई हमारी एक्स की वैल्यूज़. अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, हम एक्स की वैल्यूज़ यहाँ लिख लेते हैं, एक्स इक्वल टू 3π/4 और वाई की वैल्यू लिख लेते हैं 7π/4. ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे नंबर लाइन प्लॉट करनी है. देखो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ था, हमारे पास दिया हुआ था 0 से 2π तक, तो इसलिए हम यहाँ रखेंगे 0 और यहाँ रखेंगे 2π. ठीक है, अब सबसे पहले कौन आएगा, 3π/4 और यहाँ रखना है 7π/4. अब हमने क्या करना है, इनके बीच में से वैल्यू पिक करके, जो भी वैल्यू पिक करेंगे वो हम एफ डैश एक्स में लिखेंगे. यहाँ मैं एफ डैश एक्स की वैल्यू लिख देता हूँ, ये हमने रफ में चेक करना है. एफ डैश एक्स की वैल्यू थी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स. ठीक है, हमने इसमें रफली चेक करना है. देखो 3π/4 होता है 135 डिग्री, 0 और 135 के बीच में सबसे पहले क्या ले लेते हैं, 90 ले लेते हैं. ठीक है, यहाँ डालते हैं
कॉस 90 कितना होता है? जीरो. साइन 90 कितना होता है? वन. तो आंसर कितना आ गया? वन. वन का मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ लिख देंगे पॉजिटिव. अब ये है 3π/4, और 7π/4 कितना होता है? 7π/4 होता है टू, सेवन कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, 45 × 7, 7 5 = 35, 7 4 = 28, मतलब 315. तो ये है 135 और 315, 135 और 315, मतलब 135 डिग्री और 315 के बीच में कौन सी वैल्यू आएगी? 135 से लेकर 315 के बीच में कौन सी वैल्यू आएगी? मान लो मैं 180 ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ डालते हैं कॉस 180, कॉस 180, कॉस 180 होता है माइनस वन, कितना होता है? माइनस वन. और साइन 180 कितना होता है? साइन 180 होता है ज़ीरो. तो कितना आंसर आ गया? -1 + 0 -1. दोबारा बताता हूँ, 135 और 315 के बीच में मैंने ले लिया 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, साइन 180 की वैल्यू होती है ज़ीरो, तो -1 + 0 हो जाएगा हमारा -1, तो ये हो गया नेगेटिव. ठीक है, इसी तरह इनके बीच में से कोई भी कोई वैल्यू ले लेना, इसमें डाल देना, वो आ जाएगा पॉजिटिव. अब देखो ये 3π/4 ये कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है? पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक. तो ये हो जाएगा लोकल मैक्सिमा पॉइंट. और ये देखो ये कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है? माइनस पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो ये हो जाएगा लोकल मिनिमा. तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, एट एक्स इक्वल टू कितना है हमारा? 3π/4 साइन चेंजेस. साइन चेंजेस कहाँ से कहाँ तक? पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो हम कहेंगे ये पॉइंट को क्या कहेंगे? इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. ठीक है, ये तो हो गया पॉइंट. अब हमें निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू. क्या निकालनी है? मैक्सिमम वैल्यू. तो देखो क्या करेंगे, लोकल मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू वो हमने क्या करना है, जो हमारे पास गिवन फंक्शन था ना, ये देखो ये हमारे पास गिवन फंक्शन था, हमने एक्स की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करनी है. तो क्या आएगा? साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4. अब देखो साइन 3π/4 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? ये होता है साइन 135. साइन 135 को हम लिखते हैं साइन 180 माइनस 45. तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा साइन 45. तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2. ठीक है, इसी तरह ये हो जाएगा कॉस, यहाँ पे लिखेंगे कॉस, ये भी 135 है ना, तो कॉस 180 माइनस 45 होता है माइनस कॉस 45. सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2. यहाँ तक आ गया, ये इसकी पावर नहीं है. अब देखो 1/√2 + 1/√2 ये हो जाएगा 2/√2. ठीक है, अब देखो 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 × √2, ये हो रही कैंसिल, तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई √2. अब देखो इसी तरह ये पॉइंट साइन कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है? नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो हम कहेंगे एक्स इक्वल टू 7π/4 साइन चेंजेस नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो ये पॉइंट हो जाएगा देन एक्स इक्वल टू 7π/4 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. अब हमें निकालनी है मिनिमम वैल्यू. लोकल मिनिमम वैल्यू क्या करना है? जो हमारे पास गिवन फंक्शन था ना, उसमें ये 7π/4 रिप्लेस करना है. लोकल मिनिमम वैल्यू, देखो गिवन फंक्शन क्या था? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यही था ना. अब क्वेश्चन में देखो स्टार्टिंग में, तो एक्स की जगह ये डालेंगे साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4.
अब देखो साइन पाई, 7π/4 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 7π/4 मैंने पहले भी बताया था कितना आया था, ये साइन 315 और ये हो गया कॉस 315। अब देखो इसको हम लिखेंगे साइन 360 -45 और इसको लिखेंगे 360 -45। ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा -sin 45 और फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा cos 45। sin 45 की वैल्यू 1/√2 और cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये आ जाएगा √2। माई एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये हो जाएगा -2/√2 और हम 2 को लिख देंगे √2 × √2, तो ये आ जाएगा -√2। ये आ गया इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 9th है, f(x) = cos x और x दिया हुआ है हमारे पास 0 से लेकर π तक। 0 से लेकर π तक मतलब हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेकर ये 0 हो गया और ये पाई हो गया, मतलब 0 से π का मतलब हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेकर सेकंड क्वाड्रेंट तक हमारे पास x दिया हुआ है। तो देखो हमें इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करना है, तो हम क्या करते हैं इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। f(x) की डिफरेंशिएशन f'(x), cos x की डिफरेंशिएशन -sin x। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, f'(x) को हम 0 ले लेते हैं, तो आ जाएगा -sin x = 0। तो sin x = 0, माइनस को मैंने इस तरफ फेंक दिया। अब देखो sin x 0 कब होता है, sin x 0 होता है 0 पे है ना, 180 पे, 360 पे। sin x 0 कब होता है, 0 डिग्री पे 0 होता है, 180 पे 0 होता है, 260 पे 0 और 360 पे 0 होता है। लेकिन इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर π तक, मतलब ना 0 इंक्लूड करना है और ना पाई इंक्लूड करना है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। अगर यहाँ इक्वल टू होते तो मैं इन दोनों को इंक्लूड कर लेता, तो 0 और π के बीच में साइन कभी भी 0 नहीं होता, तो हमें 0 की वैल्यू तो मिलेगी नहीं हमें कभी, इसका मतलब हमारे पास कोई भी वैल्यू आएगी नहीं, इसलिए हम कह देंगे 0 से π तक इस फंक्शन की f(x) हैज़ नो मैक्सिमा एंड नो मिनिमम वैल्यू। f(x) हैज़ नो मैक्सिमम एंड नो मिनिमम वैल्यू, नो मिनिमम मैक्सिमम और नो मिनिमम वैल्यू। ये आ गया इस पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10th है, f(x) = sin 2x - x और x दिया हुआ है हमारे पास -π/2 to π/2। देखो मैं सबसे पहले ये समझाता हूँ कि -π/2 to π/2 का क्या मतलब हुआ। देखो ये हमारा ग्राफ आ गया, इसको x ले लेते हैं और इसको y ले लेते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक जाएं तो ये बनता है π/2, मतलब ये बनता है 90 डिग्री, π/2 होता है 90 डिग्री। और अगर मैं -π/2 पे आऊँ तो हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक -π/2। मेरी बात समझ आई कि यहाँ से यहाँ तक जाओ तो 0 से π/2, और अगर एंटी क्लॉकवाइज में जाओ तो यहाँ से यहाँ तक जाओ तो ये बन जाएगा -π/2। इसका मतलब जो x है वो किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, f(x) दिया हुआ है हमारे पास sin 2x - x, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। f(x) की डिफरेंशिएशन f'(x), sin 2x की डिफरेंशिएशन cos 2x और 2x की डिफरेंशिएशन 2 और x की 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इस f'(x) को 0 ले लेते हैं, तो क्या बनेगा, 2 cos 2x - 1 = 0, 2 cos 2x = 1, cos 2x = 1/2। ठीक है, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, पहला cos 2x 1/2 कब होता है, cos 2x 1/2 होता है cos 60 पे, मतलब π/3 पे। ठीक है,
ठीक है। लेकिन हमने यहाँ भी देखना है ना, जैसे यहाँ पर 6 1/2 π/3, मैं यहाँ पे प्रॉपरली बताता हूँ, दोबारा से बना के देखो। यहाँ पे जो होता है ना, ये होता है 60 डिग्री π/3 में, ठीक है। और हम हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट तक है, हम फर्स्ट और फोर्थ में है, और यहाँ पे अगर हम आएंगे ना, यहाँ पे होता है -60 डिग्री। मेरी बात समझ आई? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जाना है हमने, तो मैंने यहाँ स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होता है π/2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है -π/2, क्योंकि हमारे पास इंटरवल -90 से 90 के बीच में दी हुई है। तो हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों पे वैल्यू निकालनी है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी कॉस पॉजिटिव होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे हम लिखेंगे 2x = π/3, और यहाँ लिखेंगे हम 2x = -π/3। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि कॉस -π/3 भी 1/2 ही होता है। कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा ही होता है ना, तो कॉस π/3 भी 1/2 होता है, इसलिए हमने दोनों क्वाड्रेंट के लिए वैल्यू देखनी है, ठीक है। अब ये 2 इधर ले आते हैं, एक्स हो जाएगा π/6, और इस 2 को इधर ले आते हैं, एक्स हो जाएगा -π/6। ये हमारे पास एक्स की दो वैल्यू होगी। अब हम नंबर लाइन बनाएंगे। देखो नंबर लाइन कहाँ से कहाँ तक बनानी है, माइनस हमारे पास कहाँ तक दिया था, नंबर लाइन दी थी हमारे पास -π/2 से लेकर π/2 के बीच में, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखना है -π/2, और यहाँ लिखना है π/2। यहाँ पहले दोनों में से कौन आएगा, -π/6, और यहाँ लिखना है π/6, ठीक है। यहाँ लिखना है -π/2 to π/2, पहले आता है -π/6 और बाद में आता है π/6। ये मैंने दोनों वैल्यूज यहाँ लिख दी। देखो अब हम क्या करेंगे, -π/2 और -π/6 के बीच में कोई वैल्यू लेंगे, ये है -90 और ये है -30, ठीक है। -90 और -30 के बीच में क्या आएगा, -60, वो हम एफ डैश एक्स में डालेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये रफ में चेक करना है, यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू लिखते हैं। एफ डैश एक्स हमारा क्या आया था, 2cos 2x - 1, ये रफली है, ठीक है। अब देखो -90 और -30 के बीच में क्या आएगा, -60, तो यहाँ डालते हैं 2 into -60, 2 into -60 कितना होता है, -120, ठीक है। cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 2 cos 120 - 1, ठीक है। अब cos 120 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 180 - 60। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है cos, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट में, 180 - 60 होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये आ जाएगा -2 cos 60। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए बाहर माइनस आ गया। अब cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा -1 - 1, तो ये आ गया -2, ये आ गया नेगेटिव, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनके बीच में कोई वैल्यू लेते हैं, ये है -30 और ये है 30, -30 और 30 के बीच में 0 आएगा, तो 0 यहाँ डालते हैं। देखो 2 cos 0 कितना होता है, ये 0 हो गया ना, cos 0 होता है 1, तो 2 1 2, 2 में से 1 गया, 1 पॉजिटिव आया, तो ये लिख देंगे पॉजिटिव। इसी तरह हम इनके बीच में वैल्यू लेते हैं, ये है 30 और 90, 30 और 90 के बीच में हम क्या लें, 60 डिग्री, तो हम यहाँ डालते हैं, देखो x की जगह 60 डालना है, 2 into 60 कितना होता है, cos 120। अभी देखो मैंने cos 120 की वैल्यू निकाली थी ना, cos 120 की वैल्यू कितनी आई थी, 1/2, -1/2 सॉरी, cos 120 की वैल्यू कितनी आएगी, -1/2, तो 2 2 कैंसिल, ये बनेगा -1 - 1, तो ये आ गया -2, ये आ गया नेगेटिव, तो हम यहाँ लिख देंगे नेगेटिव। अब देखो -π/6 कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये हो गया लोकल
मिनिमा, और ये पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है तो ये हो जाएगा लोकल मैक्सिमा। तो देखो क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाय सिक्स साइन चेंजेस, साइन चेंजेस नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाय सिक्स इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, अब निकालनी है मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू वो कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो गिवन फंक्शन है ना, देखो गिवन फंक्शन क्या था, ये था ना गिवन फंक्शन, हम इसमें एक्स की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, गिवन फंक्शन था साइन टू एक्स माइनस एक्स, तो हम एक्स की वैल्यू यहां डालेंगे साइन टू इंटू माइनस पाई बाय सिक्स माइनस एक्स, एक्स की जगह भी माइनस पाई बाय सिक्स। ठीक है, अब देखो ये टू और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा साइन माइनस पाई बाय थ्री माइनस माइनस प्लस पाई बाय सिक्स। अब ये साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू ये है 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू होती है रूट थ्री बाय टू, ये आ गई हमारी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब देखो इस केस में साइन कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा लोकल मैक्सिमा। तो मैं यहाँ ही लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू पाई बाय सिक्स साइन चेंजेस पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू पाई बाय सिक्स इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब निकालनी हमें मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ ये फंक्शन था ना गिवन, इसी गिवन फंक्शन में एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे पाई बाय सिक्स, तो ये बनेगा साइन टू पाई बाय सिक्स माइनस पाई बाय सिक्स, ये और ये कैंसिल। अब देखो ये बन गया साइन पाई बाय थ्री, साइन पाई बाय थ्री मतलब साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू होती है रूट थ्री बाय टू माइनस पाई बाय सिक्स, ये आ गई हमारी मैक्सिमम वैल्यू, ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 10th जैसा है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है टू साइन एक्स माइनस वन और एक्स दिया हुआ है माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। जैसे क्वेश्चन नंबर 10th किया ना, सेम उसी वे में इसको करना है। ये क्वेश्चन करने से पहले एक बार 10th जरूर पढ़ लेना। एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी कॉस एक्स, और माइनस वन वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये एक्स होगा ना मेरे हिसाब से, एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ, टू कॉस एक्स, हाँ ये एक्स था, और साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और एक्स की हो जाएगी वन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को हम जीरो ले लेंगे, तो ये आ जाएगा टू कॉस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन, और ये टू इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब कॉस एक्स वन बाय टू कब होता है, कॉस 60 डिग्री पे, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय थ्री, और एक वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉस पाई बाय थ्री। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी समझाया हुआ है, आप पिछले क्वेश्चन को देख सकते हो पहले ही, ये पिछले क्वेश्चन में भी यही सेम चीज़ थी। तो x हो जाएगा 60 डिग्री और एक हो जाएगा माइनस 60 डिग्री। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नंबर लाइन बनानी है, नंबर लाइन कहाँ से कहाँ तक बनानी है, देखो माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू,
इन दोनों में सबसे पहले कौन आएगा? -60 और 60, ठीक है। अब क्या करेंगे, -90 और -60 के बीच में क्या वैल्यू आएगी? -90 और -60 के बीच में वैल्यू ले लेते हैं cos 75 ले लेते हैं। तो देखो 2 cos, -90 और -60 के बीच में ले रहा हूँ -cos 75 -1। देखो मैं इसमें ना दोबारा बताता हूँ यहाँ पर एक बार। अब देखो हमारे पास एफ डैश एक्स दिया हुआ था 2 cos x -1, यही था ना, ये हमें रफ में चेक करना है, ठीक है। अब -90 और 60 के बीच में क्या वैल्यू ली हमने, जैसे -90 और -60 के बीच में हमने -75 ले लिया। अब बच्चों को -75 की वैल्यू तो पता नहीं होती, नहीं पता होती ना। मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूँ, जैसे देखो -60 और 60 के बीच में क्या वैल्यू होती है, 0 डिग्री होती है ना, तो यहाँ पे 0 डालो, 2 x की जगह 0 डालो, 2 cos 0 -1। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1 -1, 2 में से 1 गया 1, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। तो आप क्या करो, अगर ये पॉजिटिव है ना तो इसके साथ यहाँ पे अल्टरनेट साइन लिख दो, माइनस और यहाँ भी अल्टरनेट साइन लिख दो। ये सबसे आसान तरीका, अगर आपको नहीं वैल्यू पता किसी एक की चेक कर लो, बाकी हमेशा अल्टरनेटिव साइन ही आते हैं। अगर यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ऐसे भी चेक किया जा सकता है इसको। अब देखो ये -π/3 -2 पॉजिटिव चेंज हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा लोकल मिनिमा, और ये π/3 +2 - चेंज हो रहा है, तो ये हो जाएगा लोकल मैक्सिमा। तो हम लिखेंगे एट x इक्वल टू -π/3 साइन चेंजेस -2 पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब हमें निकालनी है मिनिमम वैल्यू, क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू। ये जो हमारे पास -π/3 है ना, ये हम गिवन फंक्शन में डालेंगे। देखो गिवन फंक्शन क्या था, गिवन फंक्शन था ये था ना, इसमें डालेंगे। तो गिवन फंक्शन क्या था, 2 sin x - x। तो यहाँ वैल्यू डालते हैं 2 sin -π/3, x की जगह -π/3 डालना है। अब देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा होता है -sin θ, तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये 2 2 कैंसिल, तो ये आ गई हमारी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब देखो इस केस में साइन चेंज हो रहा है +2 - तो ये पॉइंट हो जाएगा मैक्सिमा। तो हम क्या लिखेंगे, x = π/3 साइन चेंजेस +2 - तो देन x = π/3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो ये जो π/3 है ना, ये हम गिवन फंक्शन में पुट करेंगे। ये गिवन फंक्शन था ना, 2 sin π/3 - π/3, ठीक है। अब देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो ये हो रही कैंसिल, तो ये आ गई हमारी मैक्सिमम वैल्यू, ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है f(x = x)√1 - x, x > 0। हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं,
इसका डेरिवेटिव आ जाएगा एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, इसको यू इंटू वी लगाएंगे, ये यू और ये वी, एक्स बाहर। अब हमें करनी है इसकी डिफरेंशिएशन। देखो रूट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है, रूट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है वन बाय टू रूट एक्स, क्या होती है वन बाय टू रूट एक्स। तो ये रूट एक्स है, इसकी क्या होगी वन बाय टू, ये पूरा रूट एक्स नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर हम इसकी भी करेंगे, वन माइनस एक्स बाहर, वन की हो जाएगी ज़ीरो और एक्स की हो जाएगी वन, तो ये आ गया माइनस वन प्लस। अब ये रूट बाहर आ जाएगा और एक्स की क्या हो जाएगी वन, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन टू रूट वन माइनस एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स। अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, इसका एलसीएम आ जाएगा टू रूट वन माइनस एक्स एलसीएम, तो यहाँ बचेगा माइनस एक्स। देखो जब ये रूट रूट मल्टीप्लाई होंगे तो रूट इनका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा टू इंटू वन माइनस एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू माइनस टू एक्स, डिनोमिनेटर वाला सेम लिख देंगे। तो ये हो जाएगा टू माइनस एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स, ये हमारा आ गया एफ डैश एक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को हम ज़ीरो ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा टू माइनस थ्री एक्स टू रूट वन माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ये पूरा रूट इस तरफ चला जाएगा, तो टू माइनस थ्री एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो माइनस थ्री एक्स इक्वल टू माइनस टू, तो एक्स आ जाएगा हमारा टू बाय थ्री, ठीक है। अब हम नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं, नंबर लाइन लेंगे हम। देखो हमारे पास यहाँ पे गिवन था ना क्वेश्चन में, वैसे हम नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ले लेते हैं ना, ये ले लिया, और इनके बीच में टू बाई थ्री लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो एफ डैश एक्स की वैल्यू पहले हम यहाँ लिख लेते हैं रफ में, ये एफ डैश एक्स की वैल्यू। देखो जब हम इनके बीच में कोई वैल्यू लेंगे, माइनस इन्फिनिटी और टू बाई थ्री के बीच में कोई वैल्यू लें, क्या लें हम वैल्यू यहाँ पर ना, हम थोड़ी सी ना नंबर लाइन ठीक कर लेते हैं। नंबर लाइन क्या ठीक करनी है, देखो हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ स्टार्टिंग में दिया था ना x ग्रेटर देन ज़ीरो, तो मतलब x जो है वो ज़ीरो से बड़ा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी की जगह ज़ीरो कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने ज़ीरो कर दिया। और दूसरी चीज़ पता है क्या, अगर मान लो मैं टू बाई थ्री के आगे टू नंबर ले लेता हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पे टू डालूँगा तो रूट के अंदर तो नेगेटिव आ जाएगा ना, तो रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो वो डिफाइंड ही नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, मतलब अगर मैं वन से कोई भी बड़ी वैल्यू लूँगा ना तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर वन रख लेते हैं, है ना। अब चेक करते हैं, देखो ज़ीरो और टू बाई थ्री के बीच में कोई वैल्यू लो, ज़ीरो और टू बाई थ्री के बीच में क्या आएगा, जीरो टू बाई थ्री होता है, टू बाई थ्री होता है 0.6, ठीक है। ज़ीरो और 0.6 के बीच में मैंने ले लिया 0.5, करो यहाँ पे मल्टीप्लाई, नीचे तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये पॉजिटिव ही आएगा, सिर्फ ऊपर चेक करो, मैंने क्या लिख लिया 0.5। थ्री को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 1.5, तो टू में से 1.5 गए तो आता है 0.5, तो ये हो गया पॉजिटिव। अब टू बाई थ्री और वन के बीच में कोई वैल्यू लो, ये है 0.6 और ये है 1, तो 0.6 और 1 के बीच में 0.7 लेते हैं, हमने सिर्फ ऊपर चेक करना है, नीचे पॉजिटिव ही आने वाला है, ऊपर चेक करो, 3 × 0.7। देखो 0.3 को 0.7 से मल्टीप्लाई करें तो आता है -2.1, तो 2 में से 2.1 निकालेंगे तो आएगा -0.1, देखो नेगेटिव आया। तो हम कहेंगे, अब देखो 2 बाई 3 में साइन कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक,
तो हम कहेंगे एट एक्स इक्वल टू 2/3 साइन चेंजेस पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा एक्स इक्वल टू 2/3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब हमें निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ये जो 2/3 है ना, ये हम गिवन फंक्शन में रिप्लेस करेंगे। देखो गिवन फंक्शन ये था, इसमें हम 2/3 डालेंगे तो ये आ जाएगा, गिवन फंक्शन ये है, यहाँ x की जगह 2/3, 2/3 रूट 1 माइनस 2/3, तो ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे ना, 3 में से 2 गया 1, 1/√3, तो ये आ जाएगा 2, 1 का रूट 1 ही होता है, तो ये आ जाएगा 3√3, ये आ गई हमारी मैक्सिमम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 13 है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू 2x-1 का होल क्यूब। अब हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, देखो हम इसको यू पढ़ेंगे और इसको वी, एक्स क्यूब बाहर, अब हम इसकी करेंगे, इसकी क्या होगी 3 2x-1 का होल स्क्वायर, फिर हम क्या करेंगे इसकी भी करेंगे, 2x-1 की डिफरेंशिएशन क्या होती है 2 प्लस, अब ये बाहर आ जाएगा, एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन 3x क्या, ठीक है। अब देखो ये पूरी एक टर्म है और ये पूरी टर्म है, यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, फिर दोनों में देखो 3 कॉमन ये भी बाहर निकाल लिया, और यहाँ देखो 2x-1 का होल स्क्वायर है और यहाँ है 2x-1 का होल क्यूब, तो दोनों में 2x-1 का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब देखो ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे एक एक्स बचा है और ये पूरा बाहर आ गया और 2 बचा है, मतलब 2x प्लस, अब यहाँ पर ये तो पूरा बाहर आ गया और यहाँ पे इसका स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहाँ पे 2x-1 सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है, ये हो जाएगा 3x² 2x-1 का होल स्क्वायर, और ये 2x + 2x 4x-1, ये आ गया इसका डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम एफ डैश एक्स को 0 पुट कर लेते हैं, ये हमने इसको 0 पुट कर लिया, तो ये आ जाएगा, ये पूरी टर्म मैंने सेम लिख दी, ठीक है, यहाँ से क्या आएगा 3x² इक्वल टू 0 और 2x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये स्क्वायर नहीं है, और 4x-1 इक्वल टू 0, ये 3 इधर चला जाएगा, x² इक्वल टू 0/3 0, ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो 0 का रूट 0 ही होता है, और ये 1 इधर आ जाएगा। अब देखो ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो x हो जाएगा 0, यहाँ से x हो जाएगा 1/2 और x हो जाएगा 1/4। अब हमें बनानी है नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 1/2 और यहाँ लिखेंगे 1/4, ठीक है। अब देखो हमारा एफ डैश एक्स क्या है, ये है हमारा एफ डैश एक्स, ठीक है। अब मैं जो भी वैल्यू पुट करूँगा ना, मैं यहाँ पे नहीं चेक करूँगा, क्यों, देखो यहाँ पे तो स्क्वायर है, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, यहाँ भी स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव आएगा, सिर्फ यहाँ चेक करेंगे, तो मतलब मैं यहाँ रफ में लिख लेता हूँ पहले ही, हमें कहाँ वैल्यू चेक करनी है, सिर्फ 4x-1 में, ठीक है। अब देखो माइनस इन्फिनिटी और ज़ीरो के बीच में क्या वैल्यू आएगी, माइनस इन्फिनिटी और ज़ीरो के बीच में वैल्यू आ जाएगी -1, यहाँ डालो 4 × -1 -4 -1, तो कितना हो गया -5, मतलब नेगेटिव। अब 0 और 1/2, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया ना, 1/4 ज़्यादा छोटा होता ना, और यहाँ पे हम 1/2 लिखते हैं, ठीक है,
1/4 1/2 से ज़्यादा छोटा होता है। अब 1/4 कितना होता है? अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँ तो 1/4 होता है 0.2, है ना, मतलब 0.25 कुछ ऐसे ही होता है। तो 0.25, 0 और 0.2, ये है हमारा 0.2 और ये है 0.5। अब देखो 0 और 0.2 के बीच में क्या वैल्यू आएगी? 0.1 डालो इसमें, 4 × 0.1, 4 × 0.1 हो गया 0.4, 0.4 में से माइनस वन की है तो आएगा -0.6, ये आ गया नेगेटिव। अब देखो 0.2 और 0.3 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे मैंने ले ली 0.3, तो देखो 4 × 0.3, 4 × 0.3 करेंगे तो कितना आएगा? 1.2 माइनस वन, 1.2 में से वन गए 0.2, पॉजिटिव आया तो यहाँ लिख देंगे पॉजिटिव। अब इधर 1/2 और इन्फिनिटी के बीच में 2 ले लेते हैं, है ना, 2 यहाँ डालते हैं, 4 × 2 = 8, 8 में से वन गए 7 तो आया पॉजिटिव। अब देखो 0 पे साइन चेंज नहीं हो रहा, एट x = 0 साइन डज नॉट चेंजेस, इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा? इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, मतलब ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा। अब देखो 1/4 पे साइन कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। एट x = 4 1/4 साइन चेंजेस नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? क्या कहते हैं इसको? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब हमें क्या निकालनी है? मिनिमम वैल्यू, तो हमें निकालनी है लोकल मिनिमम वैल्यू। तो ये जो 1/4 आया ना, ये हम गिवन फंक्शन में पुट करेंगे। देखो गिवन फंक्शन क्या था, गिवन फंक्शन था ये था ना, गिवन फंक्शन यहाँ x की जगह 1/4 रिप्लेस करेंगे, तो x³ × 2x − 1³, ये है ना, x की जगह 1/4 डालो, 1/4³ 2 × 1/4 − 1, ये हो जाएगा 1/4³ कितना होता है? 64, ये कटा, ये बचा 1/2 − 1³, तो ये हो जाएगा 1/2 − 1 कितना होता है? −1/2। अब −1/2³ कितना होता है? −1/8, 64 × 8 − 512, ये आ गया इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू। अब आ जाओ ये कितनी वैल्यू थी? ये थी 1/2 थी ना, 1/2। अब 1/2 में साइन चेंज नहीं हो रहा, तो वही सेम लिख देना है, ऐसे ही लिखना है जैसे यहाँ लिखा, यहाँ लिखना है 1/2 साइन, नहीं नहीं ये तो ठीक था, यहाँ लिखना है, यहाँ यहाँ लिखना है 1/2 साइन डज नॉट चेंजेस, तो ये =1/2 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ भी देखो साइन चेंज नहीं हो रहा, तो ये भी पॉइंट इन्फ्लेक्शन हो गया, ये भी पॉइंट इन्फ्लेक्शन हो गया, और ये हो गया मिनिमम, ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, f(x) = x/2 + 2/x, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू नहीं है, एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, एक्स की डिफरेंशिएशन 1/2। अब देखो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, ये 2/x है ना, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, तो इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी −1 x^-2, तो ये आ जाएगा −2, ये x के नीचे आ जाएगा, तो इसकी डिफरेंशिएशन आ गई −2/x क्या। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा 2x², तो ये होगा x² − 4। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, f(x) को हम 0 पुट करेंगे,
ये टर्म इधर आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर, देन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट फोर, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस टू, तो एक्स आ गया टू और एक्स आ जाएगा माइनस टू। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा था कि एक्स हमने लेना है जीरो से बड़ा, तो हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे, ये हो गया नेगलेक्ट। अब हम बनाते हैं नंबर लाइन। अब देखो नंबर लाइन बनेगी जीरो से लेकर, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ रखेंगे जीरो और यहाँ रखेंगे इन्फिनिटी और इनके बीच में वैल्यू टू, और यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं। एफ डैश एक्स की वैल्यू ये है, ये। अब हमने क्या करना है, जीरो और टू के बीच में कोई भी वैल्यू पिक करो, वन ले लो, यहाँ डालो वन का स्क्वायर वन, वन माइनस फोर माइनस थ्री, वन का स्क्वायर वन, टू इंटू वन टू, तो आया नेगेटिव। अब इनके बीच में कोई वैल्यू थ्री, यहाँ डालो थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन माइनस फोर फाइव, थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन टू ज़ा एटीन, देखो पॉजिटिव आ गया, फाइव बाई एटीन पॉजिटिव। तो हम क्या कहेंगे, ये टू जो है ये नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो ये हो जाएगा लोकल मिनिमम, साइन चेंजेस नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हम इस पॉइंट को कहेंगे एक्स इक्वल टू टू इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। अब हमें निकालनी है मिनिमम वैल्यू, ये तो आ गया ना पॉइंट, अब हम निकालेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू। ये जो टू आया ना हमारा पॉइंट, ये वाला टू, ये हम गिवन फंक्शन में पुट करेंगे। देखो गिवन फंक्शन ये था, दिखा देता हूँ एक बार, ये था ना, यहाँ x की जगह टू डालेंगे, क्या था गिवन फंक्शन, क्वेश्चन में भी देख सकते हो, x अपॉन टू प्लस टू अपॉन x, तो ये आएगा टू अपॉन टू प्लस टू अपॉन टू, वन प्लस वन विच इज़ टू, ये आ गया हमारा आंसर।